मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और स्वीप के तहत बुधवार को डाइट सभागार में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिलाधिकारी राजीव रौतेला, प्रेक्षक निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुबोध, डॉक्टर माधवी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र, स्वीप अधिकारी डॉक्टर बलराम सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रसाद भदौरिया, बेसिक शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश ओझा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके बाद छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। प्रतियोगिता के दौरान छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता महाअभियान के तहत गीत को दोहराया। क्विज प्रतियोगिता में अयोध्या दास इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, नेहरू इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं से चुनाव और मतदान से संबंधित प्रश्न पूछे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने छात्र छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा, आ गए यहाँ जवा कदम मंजिलों को पाने के
के लिए अपने अभिभावकों को या पड़ोसियों को या जन समुदाय को पूरी तरह से मोटिवेट करना है। उस संबंध में समान प्रतियोगिता हो चुकी है। आज डाइट में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व हमारे धर्म और समुदाय से बड़ा पर्व लोकतंत्र का है, चुनाव का है, वो 11 मार्च को होगा। उसके लिए आज क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस क्विज प्रतियोगिता के अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न कॉलेजों से हमारे प्रतिभाग की पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे टाइम की टीमें हैं, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के हैं, एडी गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां हैं, नेहरू इंटर कॉलेज के हैं, डीएवी कॉलेज से हैं, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से हैं। इस प्रकार से कुल 25 टीमें यहां पे प्रतिभाग कर रही हैं। उसमें कुल राउंड 5 होंगे, फाइनल राउंड लास्ट होगा, 6 राउंड होगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ इसको कार्यक्रम के द्वारा जो हमारा उद्देश्य है अपने लोकतंत्र की परंपरा को बरकरार रखना, उसको सफल बनाना, इसी के साथ में सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। कालिदास से पूछा और उससे जानकारी और आज इस लोकतंत्र आपके बीच में है। आपको आप जागरूक हमारे स्कूल तैयार है, हमारे निर्णायक और लड़की महिला लोग तैयार है, तो आप तैयार रहिए। सही है
के लिए अवस्था ही रहता है, उसकी लिए व्यवस्था अवश्य की जाती है। हमारे निर्वाचन जो प्रधानमंत्री करते हैं अलग व्यवस्था करके उनको भी काम आप हो सकते बहुत बढ़िया। आप ही जीत चुके हैं, जो अंकों मिल चुके हैं, इजी राउंड है, तब फिर पता चलेगा। ये तो क्वेश्चन बनाए गए हैं, इसी चुनाव के लिए बनाए गए हैं, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित है। तीसरी टीम तैयार रहेगी, सीनियर से टीम सीनियर सब रहिए हंसिए इंजॉय करिए और अपने दायित्व को पूरा करिए। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव 2018 में जनपद गोरखपुर के किस तहसील मुख्यालय के लोग मतदान में भाग नहीं ले सकेंगे? कोई कारण है जिसके कारण इस तहसील के लोग भाग नहीं ले पाएंगे? उस तहसील का नाम है सहजनवा देवी, सहजनवा या चौरी चौरा। क्यों? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में नहीं सही कहा। तो आपने सही कहा, इस तहसील के मुख्यालय के लोग इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। आप लोगों के हिसाब से उसी उम्र का सवाल है, ईवीएम का पूरा नाम है ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, सही क्या कह रहे हैं? सही गलत के साथ अभी आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं सर, बता रहे सही है गलत रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। आप लोगों के आप लोगों को दो बार दिए जाते हैं आपको पूरा नाम है लोकसभा उपचुनाव 2018 किस दिनांक को होना है? 14 मार्च या 11 मार्च? 11 मार्च। ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये जो भारत निर्वाचन आयोग का जो स्वीप प्रोग्राम है, जो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये पूरा प्रोग्राम है। इसमें हम लोग ये नहीं कि चुनाव से पहले ही, वर्ष पर्यंत मतदाता को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम चलाते हैं। और निश्चित रूप से जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो इन कार्यक्रमों में और भी सघनता आती है। आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 2 हफ्ते से कोई ना कोई कार्यक्रम प्रतिदिन पूरे जनपद में हो रहा है, जिसमें हमने एक गर्ल स्टूडेंट्स की एक ह्यूमन चेन भी रामगढ़ ताल के एरिया में बनवाई थी। रोज़ कहीं पेंटिंग प्रतियोगिता है, कहीं ऐसे कंपटीशन है, कहीं पर संभाषण है, तो उसी श्रृंखला में ये कड़ी है आज। और आज यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं और उनका क्विज कंटेस्ट यहाँ पर हो रहा है, जिससे प्रश्नोत्तरी होती है। और ये क्विज कंटेस्ट जो है वो जो इलेक्शन रूल है, लॉ है, प्रैक्टिसेस हैं, उसके बारे में है। कल हमारे प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी जनपद में आ रहे हैं और उनके कई कार्यक्रम हैं, इसमें से एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग स्टेडियम में कराएंगे। स्टेडियम में हमारे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आएंगे, स्पेशली ऐसे बच्चों को बुलाया है जो अब वोटर हो गए हैं, 18 ईयर्स की उनकी आयु हो गई है, और इसके अलावा और भी बच्चे हैं जो थ्रेशहोल्ड पर हैं, 16-17 साल के हैं, वोटर बनने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोग कल दिन में 2 बजे वहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा भी जब तक हमारा ये मतदान का दिवस होगा तब तक ही हमारे प्रोग्राम जारी रहेंगे।